वहीं ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरोह को गिरफ्तार कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश नया गांव के पास वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिस पर क्राइम ब्रांच ने घेराबंदी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से एक रिवॉल्वर सहित 2 कट्टे कारतूस बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि इन आरोपियों के खिलाफ प्रदेश के अलग अलग थानों में 24 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। ये रात्रि में डकैती डालने की योजना बना रहे थे और उनसे जब पूछताछ की गई, जब उनको पकड़ा गया तो उनके पास से हथियार बरामद हुए। पूछताछ की गई तो उन्होंने 6 घटनाएं जो हैं उनके बारे में खुलासा किया। संबंधित थाने की पुलिस के साथ मिलकर के पूछताछ करके माल बरामद किया जा रहा है। इन सभी के पूर्व के भी काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, कम से कम 7-7 8-8 अपराध पूर्व में चोरी और अन्य धाराओं के हैं।